भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं शिल्पा सिलाई सेंटर। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बनाया बनाया झोला है जिसमें हम आज चैन लगाएंगे और वो भी बिल्कुल फिट चैन लगाएंगे। तो अगर ऐसा झोला आप बनाना चाहते हैं, बहुत ही आसान है ये झोला बनाना, बहुत ही अलग डिजाइन से बना हुआ है। तो ऐसा झोला आप बनाना चाहते हैं तो आई बटन में आप देख सकते हैं, वहाँ पर टच करें वीडियो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह का झोला आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है झोला ये बनाना। तो इसको इसमें चैन लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे अंदर हम चैन लगाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसे हम इसको चैन लगाएंगे ऐसे। तो ऐसे हम अगर बना बनाया झोला यानी पुराने झोले में अगर चैन लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें, ये वीडियो परफेक्ट क्लियर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जो साइड पैनल है साइड में, इसको हम पूरे मापेंगे, जो बाहर ये निकला है जोड़ इससे भी पूरी तरह हम माप लेंगे और यहाँ से यहाँ तक ये हम पूरा मापेंगे। तो ये 7.5 इंच का आ रहा है तो हमें 7.5 इंच का एक पट्टी भी काटनी होगी। तो ये बोरी का झोला है तो हम बोरी का ही पट्टी इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 7.5 इंच माप लेते हैं कि कहाँ आ रहा है। तो 7.5 इंच से 1/2 इंच ज़्यादा आ रहा है तो इसको हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत ही आसान है ये चैन लगाना बैग में। तो हमने कटिंग कर लिया है, अब इसकी लंबाई हम माप लेते हैं। ये जो जोड़ है इसे छोड़ देंगे और जहाँ जोड़ है वहीं से सीधा हम मापेंगे इसको। तो ये देख लेते हैं कितनी है इसकी लंबाई। तो ये है 15 इंच की लंबाई, पूरे 15 इंच की लंबाई है इसकी। तो 15 इंच का हम पैनल इसमें बोरी का पट्टी काट लेंगे। तो इस पर हम 15 इंच का माप कर इसे काट लेते हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि झोले से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया बढ़िया आपको वीडियो मिल जाएगा या कपड़े की सिलाई भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो ये 15 इंच से थोड़ा सा हम ज़्यादा कटिंग करते हैं और इसको लंबाई में हाफ होल्ड करके इसको हम 20 से 1/2 कटिंग कर देंगे, यानी 2 भाग इसको कर लेंगे। अब इसमें हम लगाएंगे चैन। तो चैन लगाने से पट्टी से 2 इंच हम बाहर रखेंगे चैन को, यहाँ 2 इंच बाहर, इधर भी और उस साइड भी, और इसको कटिंग कर लेंगे। अब ये थोड़ा सा कपड़े का हमने टुकड़ा लिया है तो इस चैन को हमें किनारे पे लॉक करना होगा, इसलिए हम कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह इसको फोल्ड करके कपड़े को चैन के किनारे पे, और इस पर हम ऐसे फोल्ड करके इसको सिलाई चलाएंगे। ऐसे कर देने से चैन का जो किनारा है कभी भी बाहर नहीं निकलेगा और चैन भी बाहर नहीं निकलेगा। इसको अच्छी तरह 2-3 बार करके सिलाई कर दें, ये मजबूत हो जाएगा पकड़, ये कभी भी खुलेगा नहीं। दोनों तरफ ऐसे ही करेंगे। तो ये हमने एक तरफ सिलाई कर दिया है, अब इसमें दोनों तरफ हम ऐसे ही बिल्कुल दोनों सिरा लॉक कर देंगे। तो ये हो गया एक तरफ का, दूसरे तरफ का भी ऐसे ही हम लॉक करेंगे इसी कपड़े से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने ये लॉक कर दिया है दोनों तरफ बिल्कुल सेम टू सेम। अब ये चैन बाहर नहीं निकलेगा। अब इस पट्टी पे जो हमने कटिंग किया था, इस पट्टी के सेंटर हम लगाएंगे लंबाई में फोल्ड करके, सेंटर में निशान लगा देंगे, तभी हमें ये चैन लगाने का, और चैन में भी सेंटर का निशान लगा देंगे। तो ये हमारा सेंटर का निशान हो गया, अब चैन परफेक्ट हमारा बैठ जाएगा। अब सेंटर का निशान निशान पे निशान रख के ऐसे देख सकते हैं, बोरी के निशान है और ये चैन का निशान है। चैन को उल्टा करके और निशान पर रख के बोरी का किनारा और चैन का किनारा दोनों को साथ में रख के इस पर सिलाई करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह चैन आप लगा सकते हैं, पुराना झोला हो या पहले का सिलाई किया हुआ झोला हो, उसमें इस तरह आप चैन लगा सकते हैं। तो इस तरह हम सिलाई इस पर कर देंगे, यानी पट्टी से 2-2 इंच बाहर ये चैन रहेगा ताकि हमारा झोले का मुख जो है वो पूरी तरह खुलेगा, इसलिए हमने इतना बड़ा चैन रखा है। अब इसको पीछे की तरफ फोल्ड करके दोबारा इस पर हम सिलाई चलाएंगे। ये देखिए ये फोल्ड है, तो बोरी की तरफ इसको फोल्ड करके मोड़ देंगे और मोड़ कर इसको फिर दोबारा इस पर सिलाई चला देंगे। तो ये हमने सिलाई चला दिया है और इस पे हम दूसरा पट्टी को उल्टा रख के इसको सिलाई करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं निशान है और चैन पे भी निशान है, दोनों निशान को एक साथ मिलाएंगे
और इस पे किनारा मिलाकर इसको भी वैसे ही सिलाई चलाएंगे। तो इस चैनल पे आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया सिलाई करने का मिल जाएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अच्छा लगे वीडियो तो शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्त। और यहाँ पे इसको भी हम फोल्ड करके पीछे की तरफ सिलाई चला देंगे ताकि जो बोरी का जोड़ होता है वो चैन में ना फंसे। इस तरह फोल्ड करने से नहीं फंसेगा और चैन परफेक्ट चलेगा। तो हमने ये सिलाई कर दिया है, अब चलिए हम इसको खोल कर दिखाते हैं। देखिए ये परफेक्ट खुल भी रहा है और बंद भी हो रहा है, ठीक है। तो अब हम झोरे पे यानी बोरी ये जो झोला बैग बनाया है इस पे हम इसको ज्वाइंट करते हैं। तो इसको ज्वाइंट कैसे करना है यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह का झोला आप बना सकते हैं, आप देख सकते हैं लास्ट स्क्रीन में आपको मिल जाएगा वीडियो या आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। तो चैन को हम सीधा इस तरह करके यानी उल्टे साइड ऊपर करेंगे और झोले के किनारे से और चैन का ये जो पट्टी लगाए हैं इस किनारे पे रख के इसको सिलाई चलाएंगे। इस तरह इसको सिलाई चला देंगे और इसी तरह बिल्कुल ही परफेक्ट चैन बैठेगा। किनारे पे अच्छी तरह सिलाई चला लें। अब चैन को हम पूरी तरह खोल देंगे तब जाके दूसरा किनारा हमारा सिलाई होगा। इस तरह हम फोल्ड कर देंगे और चैन को ऐसे उसी तरह जैसे पहले सिलाई किया उसी तरह उल्टा करके इसको भी सिलाई करेंगे। तो इस तरह बहुत ही परफेक्ट चैन बैठ जाता है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान है ये चैन लगाना। हमने लगा दिया है ये चैन, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये परफेक्ट चैन बैठ चुका है। ये किनारा हमारा खुला रहेगा, किनारा अगर सीते हैं तो ये बहुत ही मुश्किल होता है सिलाई करना किनारा, तो इसलिए किनारा हमने खोल कर छोड़ दिया है। तो ऐसे भी कोई भी सामान रखते हैं तो बाहर नहीं गिरेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा मुंह खुल जा रहा है, बहुत ही आसान ये चैन लगाना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।